अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज है। आज का व्लॉग बड़ी अहमियत का हामिल है। जिस तरह आपने थंबनेल में देखा, न्यूजीलैंड जो दुनिया का सबसे पुरान और खूबसूरत लैंडस्केप्स के से मुजयन एक हसीन मुल्क है, जिसमें आप अपना कारोबार एंटरप्रेन्योरशिप आप ले सकते हैं और कोई कारोबार खरीद भी सकते हैं। जहां आपको न्यूजीलैंड जाने के लिए आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ वहां जा सकते हैं, वो बच्चे जिनकी उम्र 19 साल से कम है। और न्यूजीलैंड में एंटरप्रेन्योरशिप में जो कामयाबी का तनासुब है दरखास्तों का, वो 70% से ज्यादा है, जो दूसरे ममालिक की निस्बत सबसे ज्यादा है। और यकीनन पाकिस्तान के जो हालात हैं, खास खसूसन जो यहाँ का कॉर्पोरेट सेक्टर है, यहाँ का जो कारोबारी तबका है और बिजनेस कम्युनिटी है, वो यहाँ से जो जाने के लिए पर तोड़ चुकी है और बड़ी तेजी से पाकिस्तान से लोग इनखला कर रहे हैं। तो यकीनी वो बात मुझे आज किसी की सच साबित होती नजर आ रही है, जिसमें कहा था, व्हेन फेस्ड विद डेंजर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टेक्स ऑफ लाइक अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जी हाँ, जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो कारोबारी तबका उन परिंदों की गौर की मानत, झुंड की मानत, फिर कोई नई उफक पर अपनी परवाज कर जाते हैं। जब उनको ये महसूस हो कि उनके कारोबार में नमू नहीं है, उस पर ऑब्स्टिकल्स हैं, आगे बढ़ने के चांस नहीं है, तो वो मुल्क छोड़ देते हैं, वो किसी दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। तो ऐसा ही पाकिस्तान की कारोबारी कम्युनिटी जो है, जो वो अच्छे खासे जो एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटीज के लोग थे, वो भी इस वक्त यहाँ से जा चुके हैं और जाने के लिए पर तोड़ रही हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेरीज की, मेरे व्हाट्सएप जो मेरा नंबर 03045177115 पर उन्हें कॉल्स की और उन्होंने स्टार्टअप वीजा कैनेडा हो या किसी दूसरे ममालिक के बारे में हो मुझसे इस्तफसार किया और उसके लिए उन्होंने अपना प्लान तरतीब दिया। बहरहाल आज का क्योंकि व्लॉग न्यूजीलैंड के हवाले से था कि न्यूजीलैंड में एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपकी, जो इब्तदाई 3 सालों के लिए होती है बेसिकली, उसके बाद आपको पीआरशिप भी, परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस भी मिल जाता है। लेकिन 2019 में एंटरप्रेन्योरियल वर्क वीजा की जो दरखास्तों पर डिक्लाइन आया था, बहुत से जो वीजे रिजेक्ट हुए थे 2019 में, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह थी कि इनका नाकस प्लान था। जिन्होंने अपनी दरखास्तें दी उनका मंसूबों के हवाले से नाकस प्लान था, और जिसमें यह भी था दूसरी बड़ी वजह, दरखास्त दहिंदगान महज कोई कारोबार के लिए नहीं बल्कि या पीयरशिप के लिए वहां के न्यूजीलैंड जाने के लिए दिलचस्पी रखते थे, कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। और तीसरी बड़ी वजह 2019 के जब डिक्लाइन को आप चेक करें ना, उसके स्टेटिक्स को उठाएं, तो उसमें बड़ी वजह हमें यह भी नजर आती है कि उस वक्त उन लोगों का कोई अमली तजर्बा भी नहीं था, वो एक ख्याली तस्वराती बुनियाद पर एक प्लान देकर वहां पेश किया गया था। और चौथी बड़ी वजह कि उस कारोबार के लिए जो न्यूजीलैंड में के लिए पेश किया गया था, दिया गया था, वहां उनकी मालूमात 0% थी, कुछ मालूमात थी ही नहीं, सतह भी नहीं थी। और यही वजह है कि किसी अनजान आदमी ने, किसी ऐसे आदमी से आपने लोगों ने प्लान तैयार करवाया था जिनके पास कोई मालूमात ही नहीं थी, महज उन्होंने कुछ अपनी ड्राफ्टिंग करके आपका प्लान दिया और फिर वो रिजेक्ट हो गया। और एक पांचवी बड़ी वजह जो मैंने 2019 के उस प्लान में देखी थी, वो मैं बताना इसलिए भी जरूरी है कि आपके इल्म में हो सके, आपकी ये नॉलेज में आ सके कि आखिर डिक्लाइन क्यों हुआ था 2019 और 20 में। तो उसकी पांचवी जो बड़ी वजह ये भी थी कि जिन लोगों ने वहां कारोबार करना था, उन्होंने अपनी इजाफी पॉइंट्स के लिए जो 120 होने चाहिए थे, वो पॉइंट्स को इजाफा के लिए एक अलहदा से उन्होंने रिक्रूटमेंट की इजाजत भी मांगी रखी थी, जिसकी कतन कोई जरूरत उस कारोबार के लिए नहीं थी। और इसके लिए जब आप मुझसे ये पूछेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप वर्क वीजे के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए न्यूजीलैंड के लिए, तो 120 पॉइंट आपको दरकार है। न्यूजीलैंड में एंटरप्रेन्योरशिप के वीजे की एप्लीकेशंस को जस्टिफाई या उसको मंजूर करवाने के लिए आपके पास 120 पॉइंट्स का होना जरूरी है, जिसमें आपकी उम्र को कंसीडर किया जाता है। अब आज एज आपकी 60 साल से अबव है तो आप एलिजिबल ही नहीं है। आपका कारोबारी तजर्बा होना चाहिए, और फिर आप सरमायाकारी कितनी कर रहे हैं और वो वॉल्यूम कितना है सरमायाकारी का, इसके बारे में आपने बताना है।
और उस कारोबार से न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को क्या फायदा हो सकता है। बस अल्लाह, अगर आप ये अज्यूम हम कर लें कि आपने वहां कारोबार किया करना चाहते हैं और आपने ये कहा कि हम पाकिस्तान से या फरा मुल्क से वहां चीजें इम्पोर्ट करेंगे और उसके लिए वो कारोबार एस्टेब्लिश करेंगे, तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट आपको जो है वो रिजेक्ट कर देगी आपकी इस बात को, क्योंकि ऐसा इम्पोर्ट जो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकती है, वो ऐसी कारोबार की आपको इजाजत नहीं देगी। अच्छा, जब आप दरख्वास्त देते हैं ना किसी एंटरप्रेन्योरशिप के वर्क वीजे के लिए, तो उसकी असेसमेंट इमिग्रेशन ऑफिसर करता है, वहां एक टीम भी होती है जो उन पॉइंट्स की जांच करती है, असेस करती है कि कितने पॉइंट्स आपको है आपके पास, और क्योंकि जिसका दावा हमने अपनी दरख्वास्त में कर रखा होता है, लेकिन वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं आप इंफरादी सतह पर मुझसे इस्तफसार कर सकते हैं, क्योंकि तबालत हो जाएगी इस व्लॉग में, तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे वैलिड पॉइंट्स हैं जिससे आपके 120 पॉइंट आपके बन सकते हैं। लेकिन एक बुनियादी बात को अपने मलूज़ खातर रखना है कि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद हम अपनी जो आप जब मुझसे गुफ्तगू बात करेंगे तो हम अपने पॉइंट्स पर भी गुफ्तगू करेंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप की दरखास्त देते हुए अपने कारोबार की तमाम एविडेंसेस को आपने पेश करना होता है, और जो एंटरप्रेन्योरशिप की बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी बुनियादी जरूरत है इस बात की, इन दस्तावेज में आपका रिज्यूमे होना चाहिए, रिज्यूमे बहुत पावरफुल होना चाहिए, और रिज्यूमे के लिए जिस तरह मैंने कहा कि आप जो ये नंबर नीचे स्क्रॉल चल रहा है तो इस पे आप उनसे रब्ता हमदा साहब से कर सकते हैं, आपका रिज्यूमे अच्छा तैयार करते हैं। आपकी हेल्थ के हवाले से कि आपकी साउंड हेल्थ है, आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं, और आपका अच्छा किरदार होना भी जरूरी है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड आप पर नहीं होना चाहिए, ना बैंकक्रप्ट होना चाहिए, ना किसी कारोबारी अमूर में आपने किसी को धोखा दिया हुआ, FIR आपके खिलाफ होनी चाहिए। और इसके अलावा एक बात बताना भी जरूरी है कि आप बेसिक इंग्लिश को आप समझ भी सकते हो और बोल भी सकते हो, और जब आप बिजनेस प्लान पेश कर रहे हो ना तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप सरमायाकारी के बारे में अपनी वजाहत जरूर करें कि आपने सरमायाकारी कितनी करी है। अहम बात कि अब आप कितनी रकम इन्वेस्टमेंट मिनिमम कर सकते हैं, तो वो आप 1,00,000 न्यूजीलैंड डॉलर जो 165 रुपए का आई थिंक आज का रेट है उसके हिसाब से आप 1,65,00,000 रुपए 1,00,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसमें भी रिलैक्सेशन हो सकती है, इसमें भी आपको रियायत मिल सकती है अगर आपका काम एक तख्लीकी हो, इनोवेशन उसके अंदर हो, एक नई तख्लीक हो, एक साइंटिफिक कोई रिसर्च हो उसके ऊपर, और दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, ICT के फील्ड में हो, और इसी तरह एक ऐसा कारोबार जिसमें बज़ाहिर तरक्की के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हों, जिसमें कम से कम 5 लोगों को आप न्यूजीलैंड के लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सके, तो वहाँ ये 1,00,000 का जो आपने न्यूजीलैंड डॉलर्स जो है वो आपने इन्वेस्ट करना है उसमें भी आपको रियायत मिल सकती है, इसमें बहुत बड़ी आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है, रियायत मिल सकती है आपको। फील्ड में जिस तरह मैंने पहले कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ICT इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की, और इसके अलावा ऐसा कारोबार जो तरक्की का जिसमें चांसेस हों उसमें, और उसमें तीसरी और बड़ी बात कि आप एम्प्लॉयमेंट दे सकें न्यूजीलैंड के लोगों को, तो उसमें आपको रिलैक्सेशन आपकी उस पैसों में मिल सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप की अब वीजे की फीस की बात की जाए, एंटरप्रेन्योर वीजे के लिए अप्लाई फीस 3,920 है, और अगर आप इसको मुकम्मल पैकेज इसको अगर करें तो 6,860 न्यूजीलैंड डॉलर्स की आपकी फीस की, और लेकिन इसमें दीगर खर्चा शामिल नहीं है जिसमें आपका वीजा प्रोसेसिंग फीस है, जिसमें आपके दूसरी है, लेकिन 6,860 न्यूजीलैंड डॉलर्स आपकी फीस अदा करनी होती है। अगले व्लॉग में मैं आपको मजीद तफसील से आगाह करूंगा कि आप न्यूजीलैंड में चलता हुआ कारोबार कैसे खरीद सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट वे है, एक जिसे कहते हैं ना शॉर्ट रास्ता है, तेज तरीन रास्ता है, एक सबसे न्यूजीलैंड जाने के लिए एक सबसे आसान और तेज तरीन रास्ता है एक चलते हुए न्यूजीलैंड के कारोबार को आप बाय कर लें, उसको परचेज कर लें, और वहां आपको वहां एंटरप्रेन्योरशिप वीजा इशू हो सकता है, और उसके मुतालिक मैं तफसील से अलहदा वीला करूंगा। लेकिन अगर इंफरादी सतह पर भी आप अगर मुझसे पूछना चाहें तो
एंड पर ये मेरा नंबर भी चल रहा आएगा, इस पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कौन सा सिटी आपके लिए बेहतर होगा आपके बिजनेस से, लेकिन ये बिजनेस का वो बिजनेस जिसके लिए आपने अपना प्लान दिया है, उस हवाले से भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड में कौन से कारोबार के लिए कौन सा शहर आपके लिए मुनासिब होगा और मौजूद होगा। इजाजत, इंशाल्लाह लाइव व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे।